हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम का डीपी पूरे फुल साइज़ में कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीपी जो मेरी है वो बहुत छोटी सी दिख रही है, तो आप इसे पूरे बड़े में पूरे फुल साइज़ में कैसे देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि आप इसे डाउनलोड भी कैसे कर सकते हैं। गाइस आप इसमें किसी का भी डीपी देख सकते हैं फुल साइज़ में, चाहे उसका अकाउंट प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो। और गाइस कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई हमें कोई फॉलो करता है तो हमें पता नहीं रहता वो किसने हमें फॉलो करा है, और हमें उसकी प्रोफाइल देखनी होती है तो हमें दिखता नहीं है सही से, क्योंकि बहुत छोटा सा साइज़ होता है। यहाँ पे हमें क्लियर दिखता नहीं है, ये तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है ये तो दिख रही है, लेकिन कई कई फ़ोटो ऐसी होती है जो हमें पूरे अच्छे से दिखते नहीं है। तो हमें अगर उसे देखना हो पूरे फुल साइज़ में तो हम कैसे देख सकते हैं। गाइस मैं आपको आज दो मेथड बताने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एप्लीकेशन के साथ कैसे इसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, और सेकंड मेथड में मैं आपको बताऊँगा कि विदाउट एप्लीकेशन आप इसे कैसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, उसमें आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उस एप्लीकेशन का नाम है QEEK कीक। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, फिर उसके बाद आपको यहाँ ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें सर्च करना है यूज़र नेम जिसका भी हमें डाउनलोड करना है या फिर जिसकी भी प्रोफाइल पिक्चर हमें देखनी है। तो मैं यहाँ पे अपना सर्च कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है वो कितने बड़े साइज़ में आ गई, और यहाँ पर मेरे को टैप टू जूम पर क्लिक करूँगा तो ये और बड़े साइज़ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐड देखना पड़ेगा तब आएगा। तो मैं यहाँ ऐड देख लेता हूँ। उसके बाद गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर थी वो बिल्कुल बड़े साइज़ में आ गई, और अब मैं इसे यहाँ से देख भी सकता हूँ और डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया सेव, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ओके परमिशन दूंगा तो ये मेरे गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस हो गया, ये सेव हो गई। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइज़ अब मैं सेकेंड मेथड के बारे में बताता हूँ, सेकेंड मेथड आपको विदाउट एप्लीकेशन के साथ कैसे करना है। तो गाइज़ उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में वो प्रोफाइल ओपन करनी है, उसका प्रोफाइल लिंक ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक को एडिट करना है, यहाँ पे पेंसिल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आई से पहले यहाँ पे इंस्टाग्राम आई से पहले यहाँ पे आपको ज़ीरो लिखना है और यहाँ गो पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रोफाइल है, हमें यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है और ये ऐड ओपन हो जाएगा, इसे हमें बैक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज, ये ऐड कट कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं गाइज ये जो हमारा प्रोफाइल आ रहा है ये अभी ब्लर आ रहा है। यहाँ पे मैं HD प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये आप यहाँ देख सकते हैं HD आ गया। और अगर हमें इसे डाउनलोड करना हो तो होल्ड करके रखना पड़ेगा हमें फ़ोटो को, उसके बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना तो ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। तो ऐसे करके आप गाइज किसी का भी प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए। तब तक के लिए बाय।